गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हमने कर दी है मॉर्निंग से और नए दिन की नई शुरुआत भी हो चुकी है। तो दिन भर में क्या क्या होगा आपको दिखाएंगे। और वो वहाँ पे रोटी बना रहा है, इसने ना मेरे को आज नाश्ता नहीं बनाने दिया, मतलब इनको बना के दे दिया था नाश्ते में आलू के पराठे और दही के साथ। और मैं बनाने लगी ना अभी अपने के लिए, ये बेलन छीन के आ गया, मैंने हाथ से पाते हैं अपने के लिए, मानोगे नहीं, ये मेरे को भूखा मारता बेलन छीन के ले जा लेता मैं। चोर है ये मेरे घर का, चोर टमाटर चोरी यही है, सब कुछ चोरी करता है आजकल इसके पापा बोलते हैं ना इसे, चालाक हो गया तो चालाक, ये बहुत चालाक है। अब मम्मी से बात करेंगे ना, चालाक हो गया ये बहुत, आजकल एक्टिंग करता है अपना कुछ। जैसे मैं सानवे के लिए कुछ बिछाऊंगी ना मैट वगैरह, उसकी शीट वगैरह, तो आपके सो जाएगा मम्मी चालाक बोलता है मेरे से। और अभी नाश्ता नहीं हुआ है, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में क्या बनाया मैंने आपको अपने के लिए वो भी दिखाती हूँ मैं। और कल है होली है, तो एडवांस में हैप्पी होली आप सभी को। तो खूब होली बनाइए और इन्जॉय करिए। मैं तो नहीं कर सकती इन्जॉय क्योंकि मेरी सालगिरह है, तो मैं बाहर नहीं जा सकती इसको छोड़ के, तो घर पे जो आएंगे उनको लगाएंगे, है नहीं। तो चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में बनाया है आलू पूरी और मलाई और चीनी है, इसके साथ ही हो रहा है नाश्ता आज। और ना मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बस कैमरा ऑन ही करा था, एक बार ये फोन लेके ऐसा भागा ना और बोला हेलो गाइस आप सब कैसे हो, बोला तेरा। मैंने बोला ला मैं कैमरा पकड़ देती हूँ, कैमरा पूरा हिल रहा था ना तो शूट नहीं हो पा रहा था, तो अभी मैंने कैमरा पकड़ के इसका शूट कराया। जरूर देखना आप लोग कि इसने कैसे बोला है, सीख गया है मुझे देख देख के वैसे एक बात है, माँ को देख के हर कोई सीखता है, माँ जैसा करेगी वैसा ही बच्चा सीखता है, तो ये सीख गया हेलो गाइस कहना। कहाँ गई सीमान, हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, आप सब अच्छा कैसे हो? ओहो, मैंने तो सोचा आप नहीं बोलोगे, इन्होंने तो मेरे सामने ही बोल दिया, क्योंकि ये कैमरे में आने में एक्टिंग करता है ना, तो जब मन होती है तब बोलता है, तो अभी तो बोल दिया अभी तो मेरे सामने ही बोल दिया इसने फोन पकड़ा था, मुझे लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था ये बोलेगा करके, बोल दिया आखिरी में लड़के ने वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ये देख लो सामने ही है प्रूफ हेलो गाइस बोल रहा है। और आज मैं किसी के घर में सीटी लग रही, दिन का खाना बनना शुरू हो गया मेरा, अभी नाश्ता हो रहा है क्योंकि आज कल से लगी हुई हूँ मैं, कल मैंने सूट भी नहीं करा, रियल बात तो ये, कल मैंने डाला परसों का वीडियो डाला था, कल बिल्कुल सूट नहीं करा क्योंकि कल दिन से मैं गुजिया बनाने में लगी हुई थी, दो दिन हो गए मेरे को गुजिया बनाते बनाते। और आज मेरे को बनाना है नमकीन, वो सीमई सीवांश के लिए, और ये बोले तो और भी बना दे हमारे लिए, तो वो भी बनाना है। और कल से मैं कपड़े भी टांच रही थी, गर्मी ठंडियों के कपड़े रख रही थी और गर्मियों के कपड़े निकाल रही थी, तो गर्मियों के कपड़े बच्चों के इतने सारे हो गए ना अंदर, आप मानोगे नहीं, दो बैग भरे हुए हैं, ट्रॉली बैग मैंने खाली करा क्योंकि घर जाएंगे तो फिर सामान उधर इधर करना पड़ता है, तो मैंने बैग में टांच दिए इन दोनों के, दो बैग हो गए हैं दोनों के मिला के। और गर्मियों के कपड़े फाइनली निकल चुके हैं क्योंकि बच्चों को ना अगर रात में गर्मी होना शुरू हो गई तो समझ लो गर्मी पतले गर्मियों के कपड़े निकाल लो, तो दोनों को गर्मी हो रही थी, रात में रोते थे, तो और सिवान तो पतला कंबल भी फेंकने लग गया, गर्मी लगती इसको बहुत, तो मैंने निकाल दिया कर दिया, कल से स्टार्ट हुआ, आज सुबह तक हो गया है मेरा काम लगभग, सब कुछ टांच दिया, बस कंबल मोटे वाले कंबल है वो टांचने बाकी हैं, वो सुखाए थे कल मैंने, तो आज ये आएंगे तो मैं कवर निकाल लूंगी उनसे ऊपर, स्लिप में मैं पहुंच नहीं पाऊंगी ना, तो फिर पैक करके रख दूंगी। इतने सारे हो गए थे भैया, मेरी कमर दुखने लग गई थी, इतना दर्द होने लग गया था ना कल झुकते झुकते काम करते करते, तो फिर तो गुजिया बनाओ बैठे बैठे तो बहुत होने लग गया था, तो फाइनली काम तो निपटा, तो चलो चलते हैं फिर किचन की ओर, किचन में क्या क्या बनाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। ये हैं ये दो बैग जो मैंने शिवांश और सानवी के कपड़े रखे हुए हैं, ये देख सकते हो, एक बड़ा है नीचे वाला वाला और ये छोटा है थोड़ा, दोनों में इनके कपड़े बिल्कुल टनाटन भर गए हैं जगह नहीं है बिल्कुल, और ये मैंने इसलिए ढगाया, धूल मिट्टी बैठ जाती है ना, तो इसलिए मैंने पुराने अपने दुपट्टे से ढक लिया है, सेफ रखना बैग, फिर मेरे को एक तो फिर गंदा लगता है नए बैगों में वो लगे, फिर आफत भी आती है धोने में। और ये ट्रॉली बैग मैंने खाली कर दिया है, इसमें मेरे एक ही सूट है, एक या दो सूट है, पतले सूट है गर्मियों के, और ये सिवंस का बकेट है,
इसमें शिवांश के कपड़े हैं गर्मियों के, और वहां पे मैंने इसलिए रखा था ये। सुबह मालिश कर रही थी इनको, पाउडर वगैरह रखती हूँ ना इसमें रखती हूँ, क्योंकि सीमेंट बिखेर देता है ना, और पकड़ो तो साथ में नहलाने के लिए सही रहता है, इकट्ठा ले जाती हूँ। मेन मेन सामान है बाकी ऊपर रखा है। आज पूरी अलमारी सेटअप करी है, वही देख सकते हो मैंने अपने इनके लगा दिए सब। और ये है कम्बल जो ये रखने हैं, सब निकले हुए हैं। वाला कम्बल पैक कर दिया था नीचे वाला ग्रीन कलर का, चाची आई थी तो अभी फिर निकालना पड़ेगा, तो अब दोबारा इनकी इनको बॉक्स किया जाएगा, मतलब बंद रखा जाएगा, तो ये आएंगे तभी होगा ये। करूँगी तो मैं ही रख देंगे, ये ऊपर रखने हैं वहाँ पे सामने सोई है, ये मारता है ना, तो मैं इसको यहाँ पे सुला देती हूँ। अभी वो भी सो गया है, और ये बॉक्स मैंने भरा था आज, मतलब ये भी कल, ये भी पूरा मतलब पूरा सेट करा, इसी में डाल रखे हैं, और एक बरामदे में है बॉक्स, क्या बोलते हैं उसको भी, मतलब उसमें कपड़े तो नहीं है पर उसमें पुराने कपड़े रख रखे हैं, बाद में दे दूंगी किसी को। और बाकी सामान है तो उसको भी अच्छे से निकाल के पूरा अच्छे से सेट करा था, तो आज बहुत काम हो गया, पूरा कमर दुखने लग गई है। तो चलते हैं फिर किचन की ओर। अब मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन सेम, इसमें डाला है मैंने आधा के जी मैदा और दो कटोरी आटा और अजवाइन और बेकिंग पाउडर सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा डाला है आधा चम्मच, और ऑयल डाला है, ऑयल मैंने डाला है आधा कटोरा, और इसको मैं अच्छे से मल दूंगी मिक्स करके। और यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है, अब मैं इसको फटाफट बेलती हूँ, और मैंने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूदा है, टाइट गूदा है देख सकते हो। और इसमें मैंने नमक भी डाला था, आगे मैं बताना भूल गई, तो अब इसको फटाफट से बेलते हैं और फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बेल दिया और काट दिया लंबा करके, अभी तिरछा करके काटूंगी। और यहाँ पे मैंने आधे भी बना दी है, देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं करके, और यहाँ पे ये उड़ भी चुकी है, छानवी उड़ गई है ये बच्चे कुछ काम नहीं करने देगा, एक सोता है तो दूसरी उड़ जाती है। ओ छानवी बोल दो बाबू का गली, टुकुर टुकुर देख रही है, टुकुर टुकुर। ये बनाई है मैंने गुजियाएं और नमकीन सेम एक एक डब्बे के, ये 5 लीटर का है, 7 लीटर का है, अभी इसमें से खा दिए हैं काफ़ी, और ये तो इतनी बनाई थी आज मैं। अभी जैसे मैं छत में आई ना, इस पेड़ से इतनी अच्छी महक आ रही है ना, आम के पेड़ में से पूरी नाक महकाने लग गई है, आम की खुशबू आने लग गया, अब लग रहा हाँ आम का सीजन आ गया है। और आज मौसम ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा बादल लग रखे हैं, गर्मी तो हो रही है, बादल लगे हैं, धूप इतनी अच्छी नहीं आई थी आज चटक। और मेरी सेम भी बन गई है, गुजिया भी बन गई है, फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब कल भी होगा सुबह, उस कल की कल देखी जाएगी, पर जो चीज़ बनाने की सोची थी वो बन गई है मेरी। और ब्लॉग की एंडिंग भी कर देते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके भी बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।